करेंगे एंटीमाइकोबैक्टीरियल एजेंट्स। एंटीमाइकोबैक्टीरियल जो एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमारे जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया फंगाई ठीक है जो है इनको हम बोल देते हैं माइकोबैक्टीरियल एजेंट। वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया फंगाई वायरसेस प्रोटोजोआ ठीक है, ये क्या करते हैं इंपॉर्टेंट ह्यूमन जो क्रोनिक डिजीज है वो अकर करते हैं। जो है बैक्टीरिया फंगाई ठीक है या फिर प्रोटोजोआ वायरस है वो क्या हो एंटीमाइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स है, ये क्या कर करते हैं ह्यूमन क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फोटिक ड्रग्स लिम्फोटिक डिजीज। जो हमारे इसमें जो है फर्स्ट है हम जो करेंगे जो एंटीमाइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो क्या हमारे रोडशिप होते हैं ठीक है, नॉन मोटा मोटाई होते हैं ठीक है। उसके बाद देंगे जो है पे कलराइज नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सम जो स्पीसीज है वो हमने क्या खुद ह्यूमन बीइंग ने अक्कर की है ठीक है। खुद पैथोजेनिक फॉर जो माइक्रोबैक्टीरिया वो पैथोजेनिक फॉर मैन एंड आर रिस्पॉन्स टू इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्रोनिक डिजीज। खुद जो ट्यूबरक्लोसिस है और या फिर जो हमारे निक्रोटिक है निक्रोसी है ठीक है, उसके खुद जो है ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है। जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बैक्टीरिया कॉज होते हैं उससे ये सारी डिजीज होती है। ठीक है आज जो हम स्टडी करेंगे जो है इसमें एंटीबैक्टीरियल में दो डिजीज आएंगी ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोस्टेट डिजीज ठीक है। हम आज स्टडी करेंगे फर्स्टली जो है वो है हमारे निक्रोटिक लेप्रोसरी डिजीज। लेप्रोस्टेट डिजीज हम आज स्टडी करेंगे, इसमें क्या है जो लेप्रोस्टेट डिजीज है ये है हमें क्रोनिक डिजीज होती है।
हैंसन 1871 में इसको आइडेंटिफाई किया था। किसी बैक्टीरिया के तौर पर के कारण होती माइक्रो बैक्टीरियम। एक्स्ट्रा मासेस आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मासेस इन जो मास है इन
टिश्यू। जो एंटीनेफ्रोटिक ड्रग्स हैं अब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। Thank you.
सल्फोन, ठीक है, सल्फोन है। जो सल्फोन हम टर्म्स यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जहाँ पर हमने 4-4-2 डाई अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हो, डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन्स प्रेजेंट हो, वहाँ पर हम यूज करते हैं। इस केस में क्या अमाइनो ग्रुप क्या है, वो सल्फोमाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। रिप्लेस्ड होने के बाद यहाँ पर पी अमाइनो फाइल ग्रुप लग गया। इसके अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हमारे इसकी नंबरिंग है। नंबरिंग के बाद अब क्या है, दो अमाइन ग्रुप है, एक और दो, इसलिए हमने क्या लिख दिया 20। कहां पर अटैच है, 4 पर, ठीक है। 4 के साथ क्या लगा हुआ, अमाइनो फिनाइल। उसके बाद आ गया एसओ टू ग्रुप है, मतलब सल्फोन। इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे, 20-4 अमाइनो फिनाइल। So
टैक्सोन है उसी की ही केमिकल स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे। एंटी लिप्रो